जी हाँ, आजकल ये बहुत सुनने में आ रहा है कि मौलवियों का सियासत से क्या ताल्लुक। फिर मैं पूछता हूं कि सियासतदानों का दीन से क्या ताल्लुक। सेनेट के कुर्सी पर बैठने वाले उनसे कहा जाए जरा आयतुल कुर्सी सुना दें तो सूरह फातिहा वो भी गलत सुना रहे हैं। उनसे कहा जाए जरा दुरूद शरीफ सुना दें वो भी नहीं आता। ये सियासतदान, उनसे अगर ये पूछा जाए हजरत नमाज जनाजा में कितने सजदे हैं, कोई कहे चार, कोई कहे पांच, जबकि इन बेवकूफों को यही नहीं मालूम कि नमाज जनाजा में तो कोई एक भी सजदा नहीं है। इनका दीन से क्या ताल्लुक? असल बात क्या है? असल बात यह है कि अफगानिस्तान का नक्शा इनके सामने है कि वहां मौलवी हजरात ही तो आए और उन्होंने कामयाबी पाई और किस अच्छे अंदाज से मुल्क को लेकर के चल रहे हैं। इनकी सियासतदानों की रिश्वतें खत्म हो जाएंगी, सियासतदानों का हराम कारियां खत्म हो जाएंगी, सियासतदानों की मार धाड़ खत्म हो जाएगी। इनको ये सारा कुछ नजर आ रहा है कि हमारी जेबें तो नहीं भरेंगी, फिर हमारी जेबें तो खाली हो जाएंगी। जबकि अफगानिस्तान के अंदर जो मौलवी हजरात आए हैं उन्होंने किसी की जेब खाली नहीं करी, किसी सियासतदान की जेब खाली नहीं करी। और ये सियासतदान जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से लेकर अब तक जितनी हुकूमतें आने वाली हैं, इन तमाम हुकूमतों के दौर में किस किस ने वजारतों पर बैठकर अवाम का खून चूसा है, अवाम की जेबें खाली की हैं। ये इमरान खान जब आए कितना बड़ा सियासतदान अपने आप को समझने वाला, जब ये आया तो उस वक्त डॉलर 70-80 रुपए का था इसके लगभग, और अब 182 रुपए का हो गया है। ये क्या चीज है? ये सियासत समझने वाले हैं कि मुल्क को तबाही के धाने पर लगा दिया। इनको तो ये खतरा लाहिक हुआ हुआ है कि हमें नमाजें पढ़नी पड़ जाएंगी, हमें मस्जिदों का रुख करना पड़ जाएगा, हमें सजदे करने पड़ जाएंगे। जो बदमाश होते हैं वो अपनी बदमाशी नहीं छोड़ सकते, और फिर उलमा के ऊपर, मौलवियों के ऊपर जो है आवाजें कसते हैं। अब जब इनके सर के ऊपर उलमा का डंडा आ पड़ा है अदम एतमाद का, तो अब बौखला गए कि ये क्या होने वाला है। और फिर इमरान खान की तरफ से बहुत से लोग सोशल मीडिया के ऊपर मैदान में आए हुए बड़ी तारीफें कर रहे हैं। मैं सुन रहा था कई क्लिप वहां, उसमें चाहे दाढ़ी वाले हों बयान करने वाले या चाहे क्लीन शेप हों, जब पैसा मिलता है ना हर एक बिक जाता है। यही वो सारा कुछ हो रहा है। इनको नजर नहीं आ रहा कि इन्होंने पाकिस्तानी अवाम को उन पर महंगाई करके कहां पहुंचा दिया है। जो गरीब था उनकी जानें जा रही हैं, वो गरीब से गरीब तर होता चला जा रहा है। और इनका वजीर कहता है अगर चीनी के 9 दाने खाते थे तो 6 दाने खा लोगे तो कौन सी मौत आ जाएगी। ये सियासतदान है? ये तो सियासत का एक हर्फ भी नहीं जानते। ये बदमाशों का टोला है जो अवाम का खून चूस रहे हैं। महंगाई देखे कहां पहुंच गई है, बिजली के बिल कहां तक चले गए हैं, पर यूनिट कितना कुछ बढ़ाया जा रहा है। क्या सहूलत दी है मौजूदा हुकूमत ने? सिर्फ ये कह देना ओ जी इमरान खान जो है वो अमेरिका को, यूरोप को, उनको सबको ललकारा है। ललकारने से क्या होता है? ये तो इसने इंडिया के खिलाफ भी ललकारिया और कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, आजाद कश्मीर वालों के साथ। किया क्या उनके लिए? अपने करतूत तो देखो, सिर्फ जबानी तौर पर तुम ये जमा खर्च कर रहे हो और अमली तौर पर तुमने कहां पर मुसलमानों को कुव्वत पहुंचाई है।
مسلمانوں کے ساتھ کہاں کہاں طرفداری کی ہے، زبانی جمع خرچ نہیں، عملی طور پر کیا دکھایا تم نے؟ یہ سب ایک دوسرے کے خلاف برسرے جو پیکار آئے ہوئے ہیں، اصل مقصد صرف یہ ہے، چاہتے ہیں کہ اہل علم آگے نہ آئیں، علماء حضرات آگے نہ آئیں، بلکہ ان کو تو پیچھے رہنے دیا جائے یہ کہہ کر کہ ان کا سیاست سے کیا تعلق، تو تمہارا دین سے کیا تعلق یہ بتاؤ؟ جب تمہارا دین سے ہی تعلق نہیں تو پاکستان جو اسلام کے نام پر، کلمے کی بنیاد پر، لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر حاصل کیا گیا تھا، تمہارا کلمے سے کیا تعلق؟ تمہارا اسلام سے کیا تعلق؟ تمہارا دین سے کیا تعلق؟ اور یہ یاد رکھیے، ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر نظر کیجئے، آپ کو وہاں اسلامی سیاست نظر آئے گی، خلفائے راشدین کی تاریخ پڑھ لیجئے، اسلامی سیاست چمکتی ہوئی، دمکتی ہوئی، آگے بڑھتی ہوئی، ترقی کرتی ہوئی نظر آئے گی، اور تم نے جہاں سیاست کو دین سے الگ کر دیا اور سیاست یہ سمجھ بیٹھے کہ جتنا جھوٹ بولیں گے، جتنے یو ٹرن لیں گے، اتنی کامیابی ہوگی، یہ کامیابی نہیں بربادی ہے، جو پاکستان کو آج کے سیاست دان بربادی کی طرف لا چکے ہیں۔ جب علماء کے ہاتھ میں یہ ملک آیا نا، جیسی آئے گا دیکھیں گے آپ کہ انشاءاللہ تعالی کتنی ترقی ہوتی ہے، اور یہ اسلامی جو سیاست عملی طور پر میدان میں آئے گی، یہ ان بدماشوں کے پرچے اڑ جائیں گے۔